नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जिन विद्यार्थियों को फिजिकल मेडिकल के लिए सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब आपका जो रिटन टेस्ट है वो पास हो गया है। फिजिकल के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता होगी, और दोस्तों फिजिकल ग्राउंड में वो आपको 100% ले जाने ही आवश्यक हैं, अन्यथा दोस्तों आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आप देख लीजिए पूरी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिजिकल के लिए उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए वीडियो अति आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट है, आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र कॉल लेटर जारी होने के बाद बनाना है। ठीक है दोस्तों, जब आपका कॉल लेटर आ जाए फिजिकल के लिए, तो आपको अपने चिकित्सालय, यानी कि दोस्तों जो आपका चिकित्सालय लगता है जिस भी जिले का मुख्य चिकित्सालय, वहाँ पर जाना है और आपको अपना जो चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी कि मैं फिजिकल के लिए पूरी तरह से फिट हूं, वो आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाना है। उसमें दोस्तों डॉक्टर की मोहर लगती है, स्पेशल वहां से आपको मिलता है, और 6x6 की आंख, इस प्रकार से आपको पूरे फिटनेस प्रमाण पत्र मिलता है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अंतिम स्कूल कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र अभी कॉलेज स्कूल से प्राप्त आप कर लें। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट यही है कि जो आपका कॉलेज, जो आपने अंतिम बार जो भी की है, जैसे कि दोस्तों आपने इससे पहले 12वीं की है, तो 12वीं के आपका आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आपने BA किए है तो दोस्तों BA या BSc की है तो आपके पास BA उसी का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह पुराने नहीं हों, कॉल लेटर जारी होने के बाद दोस्तों आप ये बनवा लें। ठीक है, दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दोस्तों यहाँ पर आप सरपंच के साइन, जो चरित्र आपको गृह से बनवाना है उसमें आपको एक तो सरपंच के हस्ताक्षर आप करवा सकते हैं, या एक दोस्तों व्याख्याता के भी करवा सकते हैं, डायरेक्टर के भी करवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सभी मार्कशीट और ओरिजिनल प्रमाण पत्र अपने पास रख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और प्रमाण पत्र हैं वो आप अपने पास रख लें, अभी सुरक्षित रख लें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों को मिलते भी नहीं है, हेरते रह जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC MBC EWS आदि के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र यहाँ पर आप अवश्य लग लें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर छठा पॉइंट देख लीजिए, विधवा या विवाह विभिन्न की स्थिति में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विधवा हो, परित्यागता हो, जिस प्रकार से अलग से इनके लिए वैकेंसी भी निकलती है, तो दोस्तों इनके लिए सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। इसी के साथ में अगर किसी की शादी हो गई है और उन्होंने फॉरम में मैरिड लिखाया था, तो दोस्तों उनके पास भी मैरिड सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, TSP शहरीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो। और यहाँ पर देख लीजिए, नवा पॉइंट है, NCC होमगार्ड पुलिस विषयों की डिग्री और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनके आपको स्पेशल नंबर मिलते हैं। अगर किसी के पास NCC का सी सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताइए कि उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ड्राइवर पद के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, ये भी आप सभी को पता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और 11 नंबर है, राजकीय कर्मचारियों के लिए राजकीय कर्मचारी होने का और विभाग का अनापित प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट देख लीजिए, आय प्रमाण पत्र केवल उन अभ्यर्थियों को ही बनाना है जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय में छूट ली है, सभी को बनाना आवश्यक नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने आय यहाँ पर लिखी होगी, क्योंकि दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने 2.5 लाख से कम आय लिखी है उनके दोस्तों फॉर्म फीस कम लगी थी, और जिन्होंने ये 2.5 लाख से नहीं लिखी है कम आय में, उनके दोस्तों फॉर्म फीस अधिक लिखी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिन विद्यार्थियों ने 2.5 लाख से कम आय में छूट ली है फॉर्म भरते समय में ऐसा बताया है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है वो बनाना जरूरी है। तो दोस्तों ये 12 पॉइंट हैं, 12 पॉइंट्स आपको फिजिकल के लिए आवश्यक ध्यान रखने हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी आपको हर पल की अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए अभी ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लीजिए। इनके सिवा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र है, ये आपके चिकित्सालय से, जैसे
जैसे कि दोस्तों आप अलवर जिले के हो, तो अलवर जिले के जो सामान्य अस्पताल है वहां पर आप जाइए और वहां से आप चिकित्सा अधिकारी है जो आपको ये प्रमाण पत्र बनाकर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।